3 बजे हैं और अरुण भाई को छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हम हैं अभी इस वक्त मुंबई में और साथ में मेरी मम्मा भी है। हम दोनों साथ साथ में लैंड कर गए थे फॉर्चुनेटली। थोड़ा बाहर निकले हैं गुलाबा में, हम आए हैं गेट ऑफ इंडिया देखने, पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश है, तो मैं आप लोगों को अभी रिवर्स कैमरा करके दिखाती हूँ। की फेमस डबल डेकर बस और ये फेमस ताज होटल, पूरा इसका भी आपको व्यू दिखाती हूँ। रश बहुत है, थोड़ा मेरे को आगे जाने दो फिर मैं दिखाती हूँ। हमने बाहर से ही देखा, बाउंड्री के बाहर से, वहां तक जाने के लिए इतनी लंबी लाइन है पूछो मत। लाइन में लगने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसलिए बार बार से देखा हमने। और अभी हम कहीं और जा रहे हैं, तो यहाँ पे बीच नहीं है, खाली सी सी है। तो मेरे पीछे देखो ताज होटल है, ये देख लो। और बस अभी इसके नीचे भी बहुत सारे जो प्रीमियम एकदम लग्जरी ब्रांड्स है वो सारी है यहाँ पे, जैसे लुई विटॉन हो गया, अभी तक मेरे को वही दिखा। तो यहाँ पे एक हम राउंड मारेंगे, शॉपिंग तो हो गई नहीं, अपने बस की नहीं है, तो बस खाली एक राउंड मारते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी कैसी शॉप्स है, कितनी सुंदर सुंदर है, और फिर हम लोग जाएंगे पॉसिबल मार्केट। बहुत गर्मी क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ह्यूमिड है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो हम चले गए स्टारबक्स, वहाँ पे कॉफी पी। तो ये स्टारबक्स भी जो ये ताज होटल है उसी के अंदर ही था, तो बस हम तो ताज होटल के आगे पीछे घूम ही जा रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, जिस साइड गेटवे ऑफ इंडिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था, तो हम ताज होटल की दूसरी साइड चले गए, वहाँ पे कम रश था, तो वहाँ पे घूमने का मजा आ रहा था। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है बहुत शांति सी है, बहुत यूनिक बिल्डिंग्स है, ऐसी बिल्डिंग्स मैंने बैंगलोर में भी नहीं देखी, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने का, इंजॉय कर रहे हैं खूब। मौसम भी ऐसा है कि गर्मी, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी है, धूप नहीं है ज्यादा, तो फिर वॉक कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ घूमने का। अभी हम आए हैं कोलाबा मार्केट, यहाँ पे तो कोलाबा कॉज में मार्केट शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कॉर्ड से, तभी मन बना रहे हैं कि ये वाला लेक ही नहीं, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। बाहर निकल के मैं आपको एक पूरी मार्केट का वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे चली है शॉपिंग, एक मैंने कॉर्ड सेट लिया और एक मैंने ड्रेस लिया जो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। मम्मी करा रही है शॉपिंग और ये है कोलाबा मार्केट 3 किलोमीटर नहीं मम्मी, हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना साक्षी पठानिया। मिनीसो का स्टोर दिख गया और हम दोनों तो फ्री है यहाँ जा रहे हैं, बहुत क्यूट क्यूट चीजें होती है, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए अभी।
मैं और मम्मी तो शॉपिंग में इतने मस्त हैं, हम लोग चॉइस बनाते हैं अपनी, देखते हैं और कहाँ जाएं, क्या खरीदें। तब तक आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो, उसको क्लिक करो तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और मैं एक मिनट का पॉज लेती हूँ, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ अब मुझे कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चलो 1 2 3 गो। आई होप अब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, सो थैंक यू सो मच जिसने कर दिया है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं लियोपार्ड कैफे, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रंच करेंगे, मैं और मम्मा जा रहे हैं। तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे बस स्टैंड पे, आज हम बस में जाएंगे, लोकल बस पे, एसी बस चलती है तो वो 6-6 रुपये लेती है बस। कल हम इन वाली टैक्सीज में गए थे, इन्होंने भी कम ही लिए थे, यहाँ से खाली 1 किलोमीटर के 40 रुपये। तो मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा सही है, बैंगलोर में तो 1-1 किलोमीटर के 100-100 रुपये मांगते हैं, कितने ज़्यादा। तो यहाँ पे टैक्सी का रेट सही है, मुझे ऑटो भी नहीं है, टैक्सी है, पर फिर भी इसका रेट ठीक है। तो बस अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, कब बस आएगी तो उसमें हम लोग जाएंगे। और आज मेरा OOTD है, ये ग्रीन ड्रेस जो मैंने कल यहीं से ली थी, यहाँ कॉस्मे मार्केट से ली थी ये वाली ड्रेस, और ये एरिंग्स भी मैंने यहीं से ली है, मम्मी ने खुद शॉपिंग, मम्मी को लूट लिया मैंने। गाइस हमको बस मिल गई है, 5-10 मिनट में पहुँचा देगी और 12 रुपये लगे बस। शॉपिंग होगी, मम्मी को मैंने बर्थडे गिफ्ट ले दिया, मेट्रो की सैंडल्स, थोड़ी गली टाइप है। अब हम जा रहे हैं फेमस लियोपार्ड कैफे थोड़ा खाने पीने, और गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो बस यहाँ पे मेरे को ना क्रोसेंट खाने का बहुत मन कर रहा था, और लियोपार्ड कैफे तो आना ही आना था एक बार, तो बस यही जा रहे हैं। Wanna wrap my arms around you, give you the warmth you need. So can you take this chance? I want you to go grab my hand. I don't wanna be stuck in a situation. Just let me know I'm down to risk it all. I don't like temporary love. गाइस ये आ गया हमारा क्रोसेंट, अभी तो मैं और मम्मी यही शेयर करेंगे, साथ में कोल्ड कॉफी लिए। ये हमने लिया है लेमन वाटर विद मिंट, जो इसका एक सिप लिया, बहुत टेस्टी है, कॉफी पी के देखते हैं कैसी है। और ये भी मैं खा के आपको रिव्यू देती हूँ, क्योंकि सुना बहुत है इस कैफे के बारे में, बहुत ही ज्यादा फेमस कैफे है। तो इसका फूड मतलब जैसे पहले वो पिया, अब इसका सिप लिया कॉफी का, तो वर्थ फिट लग रहा है। अच्छा वो हम यहाँ पे आए, और जितनी भी इसकी हाइट है वो सही में, मतलब खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ का। अभी को सांस खा के देखती हूँ, पर बड़ा वो है, हार्ड बहुत टेस्टी, एकदम फ्लैकी सा, मतलब ऐसे जो हम रेगुलर खाते हैं कसान वो बहुत सॉगी हो जाते हैं, इससे लाइक वेरी फ्लैकी, बहुत टेस्टी है। ये यहाँ का स्पेशल चिकन मंगाया, और इतना ज़्यादा हम पूछ रहे थे भाई कितना पीस होंगे, वो मतलब पोर्शन होगा, जितना ज़्यादा ही पोर्शन है जितना खाना खाऊंगी मुझे लगे, और क्या खाओ, मैं कह रही हूँ है इतना ज़्यादा, पता नहीं खत्म होगा कि नहीं, तो टेस्ट करते हैं कितना, देखते हैं क्या इसमें खास बात है, जरूर टेस्ट। तो खाना तो हमें यहाँ लियोपार्ड कैफे का बहुत ही अच्छा लगा, अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग, फिर से स्ट्रीट शॉपिंग करने लगे, यहाँ पीछे सारी मार्केट ही है। तो ये जो है कॉस्मे मार्केट ही है, कोई मतलब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बस आपको मार्केट से मार्केट दिख जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी अंदर जैसे अच्छी शॉप्स भी है, काफ़ी अच्छे शोरूम भी हैं, और साथ साथ में आप लोग स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा होम डेकोर का देखने लगे, जिससे ये मेरे पीछे है शॉप्स। Temporary love. अभी तो यार इतनी धूप है ना, बस स्टॉप हमको कहीं मिल नहीं रहा, तो हमने ये वाली टैक्सी कर ली है। तो यहाँ पे इस एरिया में कोलाबा में आपको ऑटो नहीं मिलेंगे, ये वाली टैक्सीज ही मिलती हैं, या तो बस से जाना पड़ेगा। चलिए भैया, तो कल हम जिन टैक्सी से बैठे थे उन्होंने मीटर नहीं लगाया था, यहाँ पे मोस्टली आपको मीटर वाली मिलेंगी, तो अभी ये भैया हमको मीटर पे ही लेके जाएंगे।
तो देखते हैं जाके बताती हूँ कितना प्राइस आएगा। थोड़ा बिजी हो गई फोन पे और जहाँ पे उतरना था भैया को बताया नहीं, थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग, बस वैसे थोड़ा सा पैदल चले जाएंगे। 30 रुपए पड़े मीटर पे। उसने एकदम रोड पे रोक दी थी, पीछे बस आ गई तो वो थोड़ा सा आगे ले गया मम्मी को, मम्मी उतर के आ रही है और पैदल जाएंगे अभी हम चल के जहाँ पे रुके हुए हम लोग। बाकी मुंबई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मस्त जगह है यहाँ पे, बहुत सेफ लगा मेरे को। कोई भी जैसे यहाँ पे लोग ज्यादा स्टेयर नहीं करते, अपने आप से ही ज्यादा मतलब रखते, उतना इंटरफेयर नहीं करते कि भाई दूसरा क्या कर रहा है, किसी ने क्या पहना है, तो उस मामले में बहुत सेफ है। हाँ दे दो।